गाइस कैसे आप लोग, वेलकम टू रोहित जी फिश लाइफ चैनल। दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि लॉकडाउन के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए सारी की सारी फिश शॉप दुकानें बंद हैं और मछली के लिए दाना नहीं है, ख़त्म हो गया लोगों के पास। तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन लेके आया हूं कि टर्टल वगैरह हैं तो उनको, उनके लिए क्या चाहिए खाने के लिए, खाना ख़त्म हो जाता है तो सारी की सारी दुकानें बंद हो गई हैं। तो दोस्तों टेंशन ना लो, ये जो खीरा है ये आपकी मछलियों का पेट भरेगा, आपके आपके टर्टल का ही पेट यही भरेगा। टेंशन ना लो, मैं इसके बारे में सारी डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को किस तरीके से ये खिलाना चाहिए हमें, किस तरीके से नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ये खीरा लेना होगा आपको, ठीक है। ये खीरा लेने के बाद यहाँ से आपको इसको छील के इस तरीके से छीलना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस तरीके से छील के ये जो बीच वाला हिस्सा जो है खीरे का, जो बीच वाला हिस्सा है इसको आप मछलियों को दे सकते हो। और अपने कछुए को भी आप यही खिला सकते हो, कभी कभी कछुए को धनिया भी डाल दो, हरा जो धनिया आता है वो भी डाल सकते हो। ये तो खाता ही खाता है, ये तो प्रैक्टिकल है, ये मैं करके दिख चुका हूँ। देखो मैं आपको शायद डाल के दिखाऊँ, देखो मछलियों को थोड़ा सा खाती है तो ठीक है, वरना खाएंगी तो ये है ही, भूखे जो होंगे तो खाएंगे, क्योंकि एकदम तुरंत अगर दाना ख़त्म हो जाएगा तो तुरंत के तुरंत नहीं खाएंगे, कि भूख जब ज़्यादा लगेगी इनको तभी खाएंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी खाता हूँ मैं आपको फिशेस को, मैं डाल के देखता हूँ। ये जो स्लाइस है हल्का सा उसको हाथों से क्रश करके तब डाल के देखता हूँ उसमें कि मछलियाँ खाती हैं या नहीं खाती हैं। देखिए इस गोल्ड फिश ने तुरंत के तुरंत खा लिया है, इसकी देखो छोटे छोटे पीस करके डाल रहा हूँ उसमें मैं, देखो खाने लग गई है। मैं तो दोस्तों ये क्रश करके डाला है, लेकिन आप लोगों को ये क्रश करके नहीं डालना है। देखिए गोल्डफिश भी खा रही है दाने को, खीरे को सारी। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डालना है इसको, क्या करना है आपको। ये खीरा लेना है, पूरा खीरा को इस तरीके से काट के, फोकस नहीं हो पा रहा, ऐसे काट के छोटे छोटे स्लाइस करके इस तरीके से, ये तरीका बेस्ट तरीका, इस तरीके से आपको डालना है। और अपने टर्टल को भी आपको इसी तरीके से डालना है, ये धीमे धीमे चूस चूस के इसको खाएंगे। और इसके अलावा और भी कुछ होममेड फूड है, मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं आपकी मछलियाँ अगर भूखी हैं तो भूखी नहीं रहेंगी, और आपका टर्टल तो कतई भूखा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैं देखता हूँ डाल के, टर्टल को भी डाल के देखता हूँ। ये मेरा टर्टल है, देखिए कैसे खा रहा है इसको। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको खाता है ये टर्टल। अब पूरा स्लाइस इस तरीके से डाल दिया और सारा का सारा खत्म कर देगा थोड़ी देर बाद ये, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमारी मछलियां क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी। आप लोगों ने देखा जैसे टर्टल ने किस तरीके से खाया, मछलियों ने भी खाया। तो आपको ध्यान रखना है ये जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है, ये जो खीरे के अंदर वाला हिस्सा, यही आपको काट के खिलाना है। ये जो ऊपर की जो खाल जो होती है, छिलका जो होता है, इसको नहीं खिलाना है। अगर टर्टल को डालोगे तो टर्टल ये भी खा लेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप इसको ही खिलाओ। खीरे आप लेके रख लो, एक दो किलो खीरे आप लेके रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा और बीमारियों में भी काम आता है, ये पेट तो भरेगा ही लेकिन साथ ही साथ बीमारियों में भी काम आएगा। टर्टल के लिए स्पेशल बहुत बढ़िया रहेगा, और मछलियों के लिए भी आपको एक फूड जो घर का होममेड फूड है मैं आपको बता दूंगा, वो भी थोड़ा अगला वीडियो डालूंगा उसमें बता दूंगा आपको। तो टर्टल के लिए बेस्ट रहेगा, अपने टर्टल को ये खिलाओ, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और जो भी कोई बीमारी होगी तो वो भी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपको पसंद आए तो कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि दूसरी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसका। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।